अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9.4 के पहले 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, उससे आगे क्वेश्चन हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि उनको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, कॉट स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास है कॉट स्केयर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्केयर थीटा है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। और जो कॉट स्केयर थीटा है हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्केयर थीटा ओवर में साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अगले स्टेप में हम साइन स्केयर थीटा को एलसीएम में लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस, क्योंकि इसके ओवर में वन है, वन को जब साइंस केयर पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर साइंस केयर ही आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस केयर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइंस केयर थीटा है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस केयर थीटा एलसीएम लेते हैं, बाकी आ जाएगा वन माइनस के साइंस केयर थीटा ओवर में हमारे पास है साइंस केयर थीटा। अब ये जो साइन है मैं इसको कॉस के ओवर में लिखता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस केयर थीटा ओवर में आ जाएगा साइंस केयर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस केयर थीटा, क्योंकि वन माइनस साइंस केयर थीटा कॉस केयर थीटा के बराबर होता है। कॉस ओवर में साइन है तो ये कॉट स्केयर थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई भी कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा और ये रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी इस क्वेश्चन की। इस तरह से हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की जाने मूव करते हैं, उसमें हमारे पास प्रूफ हमने ये करना है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कैसे राइट हैंड साइड आती है। ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी सीकेंट स्केयर थीटा माइनस के टेंजेंट स्केयर थीटा है। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल होता है सीकेंट स्केयर थीटा के। अब जहाँ पर सीकेंट स्केयर है वहाँ वैल्यू पुट करते हैं वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, ये प्लस के टेंजेंट स्केयर थीटा ये माइनस के टेंजेंट स्केयर थीटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वन आ जाएगा जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ है 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू है 1 माइनस के 2 साइन स्केयर थीटा। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास है 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। अब कॉस स्केयर की जगह वैल्यू पुट करें 1 माइनस के साइन स्केयर थीटा माइनस के 1 आ जाएंगे। अगले स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, वो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा माइनस के 1 है। ये 2 में से 1 को माइनस करें बाकी पॉजिटिव 1 आ जाएगा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हम उसको सिंपलीफाई करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा ओवर में है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी, वो है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा ओवर में है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्केयर थीटा ओवर में कॉस स्केयर थीटा, फिर हमारे पास ओवर का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 प्लस के साइन स्केयर थीटा ओवर में आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा के। हम न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं, वो कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस के साइन स्केयर थीटा। अब हम डिनोमिनेटर में भी कॉस स्केयर थीटा को एलसीएम में लेते हैं, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस हमारे पास साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। ये कॉस स्केयर थीटा ये कॉस स्केयर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर में देखें तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास बाकी ये रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, क्योंकि जब इसको 1 पर डिवाइड करेंगे यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा और ये रिक्वायर्ड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की जाने मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर में हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है कॉट थीटा माइनस 1 ओवर में है कॉट थीटा प्लस 1। हम इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास है कॉट थीटा माइनस 1 ओवर में हमारे पास है कॉट थीटा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा माइनस 1 है, डिनोमिनेटर के ओवर में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा प्लस 1 है। हम न्यूमिनेटर में भी साइन थीटा एलसीएम में लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी हम साइन थीटा एलसीएम में लेते हैं तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस प्लस हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर में देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह से हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा ओवर में है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा के, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो आ जाएगा साइन थीटा ओवर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा, हम ये रकम एलसीएम में लेते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, अगले स्टेप में 1 प्लस कॉस थीटा को इस पर डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा साइन थीटा बाकी बचेगा, इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बाकी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, अगले स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा, इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ करेंगे तो वो कॉस थीटा आ जाएगा, जबकि कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको कंबाइन करके लिखते हैं प्लस हम कॉस थीटा लिखते हैं, ओवर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में आ जाएगा साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बाकी आ जाएगा 1 ओवर में साइन थीटा जो कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है और ये रिक्वायर्ड हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर में हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर में देखें तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में साइन स्क्वायर थीटा, अब न्यूमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में भी तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम में आएगा बाकी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम में लेते हैं तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर है बाकी हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा पे प्लस होकर वो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ जाएगी। जी बेटा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़।